इजराइल और फलस्तीन विचाले जंग पुरानी है पर इस बार मामला ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। दोनों देशों विचाले शनिवार को शुरू हुई जंग अजे भी जारी है। कौन जानता है कि इस हमले विच किन्ने बेकसूर लोगों की जान चली गई है। इस जंग विच बुरी तरह फंसी हुई बॉलीवुड अदाकारा नुसरत भरूचा बीते दिन सुरक्षित भारत वापस आई थी। नुसरत वांग मशहूर टीवी अदाकारा मुनमुन दत्ता भी इजराइल जा रही। जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा दी बबीता जी ने खुद सोशल मीडिया राही इस गल का खुलासा किया। उसने अपनी इंस्टा स्टोरी से एक पोस्ट शेयर की और कहा कि वह इस जंग विच फसन तो बच गई। अदाकारा ने दसाया कि वह इजराइल भी जाने वाली सी पर किसी कारण करके उसने अपनी यात्रा पोस्टपोन कर दी। दोहां देशों विचाले चल रही जंग को देख के अदाकारा काफ़ी घबराई हुई है। उसने लिखा कि मैं इस सोच के कम जाती हाँ कि मैं इस समय इजराइल विच होंगी तो मेरिया टिकटों की पुष्टि हो गई थी पर आखिरी समय से मैनू इस अगले हफ्ते दिल्ली मुलतवी करना पाया। अदाकारा ने दसाया कि उसनू अपना शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कारण अपनी टिकटा मुलतवी करनिया पईआं। अचानक शो विच मेरी रात की शिफ्ट बता दी गई। पहला तो मैनू बहुत बुरा लगा पर हुण मैनू समझ आ रहा है कि जो भी हुंदा है चंगे लई हुंदा है। मैं अज अपनी जान गुआ सकती सी। बीबीसी की रिपोर्ट मुताबिक जेकर गल करिए हमास के हमले के 600 तो वध इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 2000 तो वध जख्मी हो चुके हैं। इस तो इलावा 100 लोगों तो वध नूं अगवा भी किया गया। दूजे पास इजरायली फौज के हमले च फलस्तीन के 370 तो वध लोग मारे गए और 2200 तो वध जख्मी हो गए। तुहानू दस दिए कि एक पासे जिते नुसरत भरूचा जो तो भारत वापस परती सी तो उन्हां दीआं तस्वीरां देख के उन्हां दे प्रशंसक जरूर घबरा गए सी क्योंकि वह बहुत डरी ते सहमी हुई नजर आई सी पर भारत वापस परतन ते उन्होंने सुख का साह जरूर लिया। जी हाँ, उन्होंने प्रशंसकों ने अते परिवार ने सुख का साह जरूर लिया। हुण बबीता जी यानी कि मुनमुन दत्ता तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस ने दसाया कि वह इजराइल जाने वाली सी पर उन्हां दी शो दे विच शिफ्ट वधाउण दे कारण उन्होंने अपना एक टूर कैंसल कर दिता अते पोस्टपोन कर दिता सी। जिस तों बाद उन्होंने दसाया कि वह यह सोच के कंब उठती है कि जे वह अज इजराइल दे विच हुंदी तां शायद अपनी जान भी गुआ सकती सी। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।